तो मुझे अब बताओ उसका एंड क्या होना चाहिए उसका? उसको सीवीओ पे ले आएंगे घुमाने फिराने, अच्छी सी मिल जाएगी, चारों में से एक अच्छी मिल जाएगी। वो है एनी, आरजे एनी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या भाई? जुनेद। जुनेद मुझे ये बताओ, ड्रामे देखते हो पाकिस्तान? जी जी। परीजाद देखा है? जी देखा है बिल्कुल। तो मुझे अब बताओ उसका एंड क्या होना चाहिए उसका? उसका एंड तो मेरे को नहीं लगता अभी होगा, उसके अंदर बड़ा टाइम बाकी है अभी एंड होने में। अबे वो सही है, लेकिन एंड में क्या होना चाहिए? मेरा जितना अंदाज है परीजाद मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। लाला ये बताओ पाकिस्तान ड्रामा देखते हो? पाकिस्तानी ड्रामे क्यों नहीं देखते यार। और परीजाद ड्रामा देखते हो? परीजाद तो नहीं देखे लेकिन खुदा और मोहब्बत का देख। मेरा सवाल परीजाद कौन देखता है? परीजाद तो ये मैं देखता हूँ। पसंद? हाँ पसंद है। आपका नाम क्या? मेरा नाम अनवर। अच्छा ये बताओ कि परीजाद का एंड क्या होना चाहिए? परीजाद में जो लड़के ने काम किए ना, बहुत बेहतरीन काम इसने किए, और उसमें जो है ना वो अपनी सियत नहीं भूलते, जैसे वो पहले होते ना बल्कि वो अमीर भी हो जाते, वो उसी तरह होते, तो इसी तरह करना चाहिए क्योंकि इंसान की यही हैसियत है। इसका एंड क्या होगा? एंड आखिरी एपिसोड में क्या मर जाएगा लड़की, इसको अच्छी मिल जाएगी या ऐसी कवारा मरेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? मेरे को तो लग रहा है कि उसको जो जिसका नजर नहीं लग रहा है जिस लड़की का, यही इसको मिलेगा। हाँ जी हाँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है। आरजे होती है आजादी, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। जिंदा रहेगा मरेगा? हाँ नहीं इंशाल्लाह नहीं मरेगा, जिंदा ही होगा। लेकिन ड्रामा बड़ा बेहतरीन ड्रामा है, मैं खुद देखता हूँ, मैंने 20 एपिसोड देखा है, बहुत बेहतरीन बनाए, बहुत अच्छा बनाए, और कोशिश करूंगा और भी देखूंगा। जब आखिरी आएगा उसके बाद क्या? तो फिर इसी का ड्रामा देखेंगे, कोई और तो बनाएगा ना। उसके बाद आप ये अहमद अली अकबर नाम है इसका आर्टिस्ट का, आप इसका फैन? जी हाँ मैं इसका फैन हूँ, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं इससे मिलूंगा, मेरे वीडियो अगर इस तक पहुंच गया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लड़का। इसको अहमद को, अहमद अली अकबर एक मैसेज दे दो। अहमद अली भाई आपने ड्रामा जो शुरू, आपने जो ड्रामा शुरू किए बड़े वीआईपी ड्रामा शुरू किए, और हमारा उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपसे मिले। तो आपने बड़े वीआईपी ड्रामा शुरू किए, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया इस ड्रामे के बाद। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हारिस मिर्जा। हारिस मिर्जा मुझे ये बताओ परीजा ड्रामा देखा? हाँ वो दफा देखा, मतलब सारे किस्से देखना। हाँ अच्छा मुझे ये बताओ कि इसका एंड क्या होना चाहिए? एंड प्रॉब्ली पता नहीं। चलो ऑप्शन देता हूँ, एंड में परीजा मर जाएगा, या इसकी शादी हो जाएगी, या फिर वापस से गरीब हो जाएगा। इन दिनों में कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे चल रहा है वैसे ही होना चाहिए। ड्रामा खत्म तो होगा ना भाई? मुझे नहीं लगता। ड्रामा जिंदगी भर चलता रहेगा? नहीं खत्म तो होगा, लेकिन ऐसे वो ऐसा कोई एंड नहीं होगा जो लोगों को, मतलब जैसे मेरे पास तुम होगा एंड होता है, वैसे कोई आम से एंड होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा। आम एंड में भी होगा क्या? ये तो नहीं बता सकता मैं। फिर तुम बताने क्या आए हो? आप गाना गाने आए हो? अच्छा ये गाना गाने आए भाई, वो देखो गिटार वाले भी आ गए। अच्छा गाना चल गाओ। ना पूछ बड़ी ज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन छन्नी है और ऊपर भी छाले हैं, ना कैसे जान पाओगे इसमें क्या गुजरती है अग्नियत। बस इससे हम सुन भी नहीं सकते तुम्हारा गाना। थैंक यू सो मच यार। एंड ये होगा बस, बेचारे की बर्बादी होगी और क्या होगा। क्यों बेचारे की बर्बादी होगी? इतना खुश तो है, किसी को खुश नहीं देख सकते तुम। हम तो खुश देखना चाहते हैं, मगर वो उनके जो करीब वो देखना नहीं चाहते उनको, वो जितनी उन बुलंदी उन्होंने हासिल करी वो उसको कोई सह नहीं पा रहा, तो बेचारे की बर्बादी होनी है एंड में आके। लड़की नहीं मिलेगी उसे? नहीं वो तो मिलेगी, वो तो उसके लिए है। कौन सी मिलेगी ये बताओ? चार लड़कियां इसके अंदर ड्रामे के अंदर, अब इनके नाम तो मुझे नहीं आते, बड़ा जो यानी उसको अच्छी मिल जाएगी चारों में, तो एक अच्छी मिल जाएगी। एक तो वो होती है जो लड़का बनी होती है, ठीक है, एक वो होती है जो रेडियो करती है, जो आखिर में जिसकी जिसको नजर भी नहीं आता, कोई सी भी दिला दे। तेरी बात नहीं हो रही भाई, बात नहीं हो रही भाई। वो कह रहे कोई सी भी दिला दे उसको, दिल में उसके लिए मोहब्बत। कैमरा लगा ये वाला, ये वाला जिसके लिए मोहब्बत होगी तो वही आएगी। मोहब्बत तो उसको सबसे ही होती नहीं, जो मोहब्बत उनसे करते होंगे, जो परिजात से मोहब्बत करती होंगे ना, वही परिजात के पास आएंगे, बाकी तो टाइम पास कर रही है उसके साथ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबक पढ़ने थोड़ी आया हमने, यहाँ मेके करके जवाब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप लोग ड्रामा देखते हो पाकिस्तान? यस। सबसे पहले अपना नाम बताओ। जोहा ताज। क्या? जोहा।
तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल रहमान फतेह। अब्दुल रहमान फतेह। सब बता दे। इल्सा लाइबा। छोटी सी। अच्छा ये बता, परिजा ड्रामा देखते हो आप लोग? जी। बता उसका एंड क्या होगा? मर जाता नहीं, मर जाता है। मर जाएगा। अच्छा मैं ऑप्शन देता हूँ, या तो उसकी शादी हो जाएगी या फिर दोबारा से गरीब हो जाएगा वापस, या फिर तो देखती हूँ। तुम तो बोलो ना, तुमने तो देखा ही नहीं, तुमको बीच में बोलू? नहीं बोलो, गलत बात। शादी नहीं होगी ना? शादी तो करेगा या नहीं करेगा? चलो तुम सोच लो, हम जब तक इनसे पूछते हैं, तुम्हारा टाइम है। वो शादी करेंगे, शादी हो जाएगी इसकी। गरीब नहीं होगा? नहीं नहीं, गरीब नहीं। शादी किससे होगी बताओ? वो जिससे, मुझे जिसकी आंखें खराब हैं। पक्का यकीन है तुम्हें उससे शादी होगी? यस। क्यों, वजह क्या? तुम्हें अच्छी लगती है इसलिए उससे शादी होगी? नहीं, उसको अच्छी लगती है, उसको अच्छी लगती है। तुम्हें अच्छी लगती है? उसको अच्छी लगती है। अच्छा चलो भाई, हमने शादी की बात करेंगे, परिजात की शादी जो है एंड में हो जाएगी। चलो ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू सो मच। परिजात ड्रामा देखते हो आप? जी बिल्कुल देखते हैं, ड्रामे तो सारे देखते हैं। अच्छा उसका बताओ एंड क्या होगा? मर जाएगा। मर जाएगा? दोबारा बताओ। मर जाएगा। पक्का? पक्का। क्यों मार रहे हो बेचारे भाई? ऐसे ही हर ड्रामे में एंड में मौत। मैं बताऊं, ऐसे तो नहीं होता, हैप्पी एंडिंग होती है हर फिल्म में। एंड में ना हीरो की मौत होती है, तो इसमें भी यही होगा। कौन सी फिल्म में हीरो की मौत होती है? सलमान खान उस पे मर जाता है जिसमें वो राधे बनता है। नहीं नहीं, आजकल तो फिल्म का नाम तुम्हें पता है क्या है? एंड में हीरो की मौत है। और एंड में हीरो की मौत है। कौन सी फिल्म की बात कर रहे हो तुम? ये परिजात ड्रामा वैसे एंड में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। वैसे अगर नहीं मरे इसके अलावा एंड क्या होना चाहिए इसको? उसको सीवीए पे ले आएंगे घुमाने फिराने, और क्या कर सकते हैं? दोनों दिन ले चलेंगे, फिर ले आएंगे टिकटॉक पे बना लेंगे। वो क्या करेगा वो बेचारा, जिंदा रहकर मार दो। फेमस तो बहुत हो चुके हैं वो, सब मिल गए उसको, मार दो, मर गए, मर जा रहा खत्म, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुश्तबा भाई? यार देखो कोई तो मुझे पहचानता है यार। मैं एक्चुअली आपको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, इसलिए, और आपके सारे शोज देखे हैं मैंने। थैंक यू सो मच यार, मैं तो छोटा सा बस एक कलाकार। असल तो आप? नहीं नहीं, हम कहाँ हैं यार। ये बात है, पाकिस्तान के मशहूर एसोसिएट डायरेक्टर मौजूद हैं, उन्होंने काफी सारे ड्रामास किए हैं, हिट ड्रामा अभी आपका लास्ट मेरे ख्याल में मूसा रक्से बिस्मिल था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है आमिर फोगा। और आमिर भाई मुझे पता है परिजा ड्रामा देख यार, ऑनेस्टली मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखी। आप काम में कितना बिजी होते हैं तो नहीं देख पाते, लेकिन ये है कि मैंने देखना जरूर है, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है अहमद अली ने और शहजाद कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर हैं, और हाशिम नदीम साहब ऑब्वियसली ही इज अ गुड राइटर। सो जरूर देखूंगा मैं, यूट्यूब के ऊपर फॉलो करूंगा, बट ऑन ईयर अभी मैं नहीं देख सका। अच्छा तो आपको इसकी स्टोरी का आइडिया होगा? यार बिल्कुल भी आइडिया नहीं। फिर इसमें हाशिम साहब आई एम रियली सॉरी, शहजाद भाई, अहमद भाई, बहुत बहुत माजरत, मैं नहीं देख सका, लेकिन ये है कि मैं जरूर इंशाल्लाह देखूंगा। देखो आमिर भाई आपने मुझे बचा लिया। कैसे? सर हम हर जगह आपको बचाएंगे, आप बस ऐसे ही बचाते रहे, मोहब्बत में रहे। ये असल में देखें मीडिया के लोग होते हैं, इनके पास टाइम इतना होता नहीं, खुद ड्रामे बनाते हैं लेकिन अपने ड्रामे खुद नहीं देखते। नहीं नहीं, अपने देख लेता हूँ मैं, अपने भी नहीं देख पाता। छोटा सा निकालता हूँ देख के बाद खुश हो जाता है, मेरा आ गया भाई। यार खुशी तो होती है, जाहिर सी बात है, आप इतनी मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली खुशी होती है। मुझे भी एक चांस दे दे एक ड्रामे में यार। आप अगले ड्रामे में पक्के हैं मेरे साथ? यार कह रहे हैं मुझे अगले ड्रामे में, कौन से ड्रामे का नाम बताओ? नाम नहीं अभी डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप हैं मेरे साथ। यार ये तो काम मिल गया, देखो खड़े खड़े देखो, घर से निकलो बस काम आपके सामने होता है, लिया है तो इस वजह से मैं बताऊं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम देखते हो ड्रामा? मैं परिजा देखता हूं। चलो यार इससे पूछते हैं, हीरो से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा अभी इन्होंने मुझसे बड़े अजीब गरीब सवाल पूछे, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, मेरा सवाल तमीज वाला सवाल। मेरे सारे बदतमीज तो मैं मानता हूँ उस बात को। आपको अच्छा सवाल था, अच्छा काम करे। अच्छा मुझे बताओ परिजा ड्रामा जो है वो देखते हैं आप? बिल्कुल देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। तो मुझे बताएं इसका एंड क्या होना चाहिए? सर इसका एंड तो फिलहाल मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, मैं हर एपिसोड में ये सोच रहा होता हूँ कि शायद अब एंड हो जाएगा ये, लेकिन लगता नहीं है कि ये एंड होगा, क्योंकि ये नेवर एंडिंग ड्रामा लगता है मुझे थोड़ा सा, सूप टाइप का और उस तरीके से डिफरेंट, क्योंकि लेकिन इसमें मैसेज हर एपिसोड में बहुत बेहतरीन दिया जाता है और बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट एक चीज आई है, मैं इसको एक लफ्ज में कहूंगा कि बहुत डिफरेंट है तमाम ड्रामों से। कुछ लोग कहते हैं ये फिक्शन है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में? अगर इंसान में लॉयल्टी हो तो मेरे हिसाब से तो हो सकता है। सर रियल लाइफ में इससे भी बहुत कुछ ज्यादा हो सकता है, ये तो सिर्फ दिखाया जा रहा है। इसका एंड क्या होना चाहिए? इसका एंड क्या होना चाहिए?
आया लड़की मिलेगी इसे शादी हो जाएगी या फिर कमारा जो है कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड कर लेगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, क्या होगा? लड़की मिलेगी सर। गरीब होगा नहीं होगा? नहीं होगा, हर उरूज का जवाल है, फिर जवाल का उरूज भी है, जवाल उसने गुजार लिया, अब उरूज की बारी है। वाह क्या बात कही आप, थैंक यू सो मच सर। आपका नाम तो पूछा? अली रहमान। अली रहमान, अपना बताओ ना, चैनल क्या है? मैं सर एक्टर हूँ, अभी फिल्म की है खेल खेल में, तो वो काम किया, उसके अलावा मैं आईएके के साथ काम कर रहा हूँ, इजाज़ अली खान सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात। मोहब्बत उसकी ला हासिल ही है तो ला हासिल ही रहेगी उसको, यही होगा मुझे। गरीब को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पैसे रहेंगे वो भी चले आएंगे। पैसों की उसको जरूरत ही नहीं है, उसको पैसों की नीड ही नहीं है, वो तो मोहब्बत के पीछे ही था शुरू से, तो वो अब तक ही मोहब्बत के पीछे ही है। फिर क्या एंड में क्या होना चाहिए इसके साथ, क्या इसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए? मुझे तो लगता है इसको यमुना जैदी जो है वो मिल जानी चाहिए, क्योंकि नाहिद को तो उसने छोड़ दिया है, क्योंकि उसने कहा है कि ये सब जो है मेरे पास वो तुम्हारे, मतलब इसकी वैल्यू तुमसे ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं, मतलब नाहिद की वैल्यू उस पैसों से ज्यादा है, तो उसने नाहिद को भी अब वो नहीं लेगा, जाहिर सी बात है वो चाहता है कि वो अपने घर में खुश रहे, तो जरूर जाहिर सी बात है उसको पैसों की नीड ही नहीं है। नाहिद ने गलती नहीं की, बोलती है सही सारा पैसा दे दो मुझे तुम? नहीं नाहिद क्यों बोलती, नाहिद ने खुद उसको रिजेक्ट किया है। आई थिंक ये जो वो है एनी, आरजे एनी, हाँ उनके साथ शादी हो जाए। हैंड अच्छा ही रखना कोई देख के, ये तो नहीं ना क्या? मैं प्रोड्यूसर नहीं, मैं तो ऑडियंस की सिर्फ लेने आया हूँ राय कि भाई ऑडियंस को क्या लगता है क्या होना चाहिए। अभी यार हम लोग असल में पूरा देखे नहीं है ना, कभी कभार देख लेते हैं, असल बात तो ये है, जहाँ मसला ये है ना, अगर पूरा देखता तो चले। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि स्टोरी पता ना उसकी आपको क्या जी, अब ये बताएंगे उसकी जो है यहाँ तो शादी हो जाएगी उसकी, जो लड़की जिसको नजर नहीं आता, ठीक है, और जो आरजे है, आरजे है नहीं नाम है उसका, और यहाँ तो वो मर जाएगा या फिर वापस से गरीब हो जाएगा, यहाँ उसको कुछ नहीं मिलेगा, लड़की भी गई, पैसे का तो नहीं चाहिए उसको, भले वो जिंदा ही रहे मगर एंड उसका यही करना जिंदा रहने का ही, मरना तो फिर शादी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, अब इतना पैसा आ गया अब तो राइट है उसका यार, बिल्कुल होनी चाहिए उसके साथ, उसको धोखा दिया अब तो उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आपका नाम क्या? मोहम्मद यूनस। आप परिजा ड्रामा देख? जी देखता हूँ। अब मुझे इसमें ये बताइए इसका एंड क्या होना चाहिए? इसका एंड ये होना चाहिए कि लोगों को इससे सबक हासिल करना चाहिए। सबक तो हासिल करना चाहिए, लेकिन इसके एंड में लास्ट एपिसोड में इसका क्या होना चाहिए? इसका कुछ मैं कह नहीं सकता, इतना बता सकता हूँ कि एंड जो इसका लालच नहीं करनी चाहिए, इंसान को अपनी मेहनत से कमा के खाना चाहिए, किसी दूसरे के आश्रय पे नहीं रहना चाहिए। नहीं तो इसमें आपको क्या लगता है इसने लालच किया? ये लालच है एकदम ऊपर जाने के लिए? नहीं लालच तो नहीं, इसकी तो लक थी, इसको क्या पता था कि इतना अमीर हो, ये तो लॉयल्टी में वफादारी में सब कुछ कर रहा है। वफादारी तो है लेकिन बस यही ईमानदारी से, वो तो सही है लेकिन फिर जवान जो नस्ल है ना उनको ये देखने में हर कोई कह रहा है कि हम ऐसे ही अमीर हो जाएं परिजात की तरह। ऐसा तो खैर इम्पॉसिबल है, लक भी होती है आपकी। अच्छा चले मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या होना चाहिए, या तो उसको वो मर जाएगा ठीक है, या लड़की वड़की नहीं मिलेगी, या कोई भी रीज़न है, या सुसाइड कर ले, सुसाइड तो खैर नहीं करेगा लेकिन या उसकी किसी लड़की से शादी हो जाएगी, या फिर वापस रोड पे आ जाएगा। नहीं उस बेचारे की किस्मत तो ऐसे फिर दा देगी कि जिस पे हाथ रखते हो दूसरा उसको आगे अपना टेक कर लेता। बस पैसा बचा उसके बाद। अब पैसा तो है हर कोई पैसे के पीछे आ रहा है वो देखिए आप। जो एंड में लड़की आई है ये आरजे है नहीं, इसका इसके बारे में क्या? ये सही है उसके, लेकिन उसका भी मंगेतर आ गया, ये भी काम खराब, ये भी काम उसका खराब हो गया। मतलब लगता है अकेला रहेगा, ऐसे ही रहेगा, वह शहर शहर में ही रहेगा। अच्छा आप कुछ आपने इससे कुछ सीखा हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो? बस यही है कि जो ड्रामे पाकिस्तानी अच्छे बन रहे हैं, खूबसूरती के हवाले से जैसे इसमें दिखाया गया, खूबसूरती सही है, इसकी मासूमियत दिखाई गई है, बहुत ज्यादा मासूमियत। कहने का ये कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है हमारे सोसाइटी में नॉर्मली जो है आज बहुत कम हो गया, लेकिन जैसे उसमें दिखाया डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले को बहुत ज्यादा जलील, अब पैसा आ गया तो अब तो सबका वो सबको अच्छा लग रहा है। हाँ पैसा आ गया उसको, ये था कि भाई उसके थे जो पैसे से पहले उसको धक्का दे के निकाला, बाद में जब उसके पास पैसा आ गया तो भाई जान आ गया, यहाँ बैठा यहाँ बैठा। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि मर्द की जो खूबसूरती है वो पैसे में?
नहीं, मर्द की खूबसूरती उसकी अपनी मेहनत में है, लेकिन जब पैसा आ गया तो रिश्तेदार पैसे के पीछे भागते हैं। मतलब फिर ऐसी जिंदगी अच्छी गुजरेगी ना? हाँ ये तो है, पैसे के बगैर कुछ नहीं, पैसे के बगैर तो कब्र नहीं मिलती यार। इसका मतलब पैसा कमाओ, आगे बढ़ो और कुछ नहीं। सही बात है, थैंक यू सो मच। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारे पाकिस्तानी ड्रामा में एंड में हीरो की डेथ हो जाती है, और इसी तरीके से हर ड्रामे का सेम क्लाइमैक्स होता है, तो इसमें भी परिजात एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी और वो अपनी जो है हीरोइन की तरफ जा रहा होगा और उसकी डेथ हो जाएगी, जैसे उसका बिजनेस, जैसे कि उसकी फील्ड है। सेगमेंट देख ले। अच्छा, और बाजी आपका क्या कहना है? सिस्टर भाई वैसे तो उसका मॉरल अच्छा ही था, लेकिन अल्लाह करे लास्ट एपिसोड में भी जो है वो उस ड्रामे का अच्छा ही वो होना चाहिए। हीरो को मारना नहीं चाहिए, लड़की मिल जाए। लड़की कौन सी मिलेगी उसे? वो उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम। एनी वो मिलेगी जी, वो मिलनी चाहिए। लेकिन अभी उसमें भी तो एक और उसका कजन भी तो आ गया। नहीं लेकिन एनी मिलनी चाहिए उसको लास्ट एपिसोड में, उसको एक तो मारना नहीं चाहिए और दूसरा ये कि एनी मिलनी चाहिए। गरीब होना चाहिए उसको वापस से? नहीं अब नहीं होना चाहिए। नहीं अब नहीं होना चाहिए, वो मेहनत कर, उसको शौहरत नवाजी है उसकी ईमानदारी की वजह से अब नहीं लेनी चाहिए। देखिए काफी लोगों ने कहा कि उसको शॉर्टकट मिला है, उसको लक से मिला है वो, लेकिन मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई वो लॉयल था अपने बॉस के साथ, उसको उसकी ईमानदारी का सिला मिला, और लॉयल्टी आप कहीं भी रखो आपको उसका सिला मिलता है। ईमानदारी का सिला ही मिला है, और यही मैं बोल रही हूँ कि अब वैसे भी नहीं जाएगा, ये उसकी नेमत है, उसको जवाल नहीं आता, नेमतों को जवाल नहीं आता। भी अच्छा सबको नौकरियाँ देता फिर? जी जी जी। इमरान खान से ज्यादा नौकरियाँ परिजात ने दिए। अच्छा थैंक यू सो मच।